इस वीडियो दोस्तों हम आपको DSLR को क्लीन किस तरह किया जाता है आपको फुल प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको एक किट की जरूरत पड़ेगी, ये दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये किट दोस्तों आपको 300 रुपये का मिल जाएगा, अमेजन से आप परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये किट हमें 300 रुपये मिला है। अब दोस्तों इस किट की मदद से हम DSLR को क्लीन करेंगे, क्योंकि 1-2 महीने के बाद आपको DSLR को क्लीन करना पड़ता है, ये कंपलसरी है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे दोस्तों तो आपके जो DSLR है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, उतना अच्छा वीडियो शूट और फोटो शूट नहीं कर पाएगी। तो 1 बार या 2 बार महीने में जरूर क्लीन कर लीजिए। अगर दोस्तों आप बाहर ज़्यादा शूट करते हैं तो आपको लगभग 15 दिन के बाद जरूर क्लीन करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं फ्रंट वाला DSLR का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पर मिल जाता है एक एयर, जिसके जरिए आप पंप कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी डस्ट रहेंगे आपके कैमरे में उसको आप दूर कर दीजिए। पहले तो आप यहाँ पर दे सकते हैं सभी किट का जो हमें मिला है, आप एक एक करके यहाँ पर दे सकते हैं। ये ब्रश है दोस्तों, और यहाँ पर दे सकते हैं एयर, इसके ज़रिए आप किसी भी डस्ट को दूर कर सकते हैं बिना छुए। तो यहाँ पर दे सकते हैं सबको निकल गया है। अब सिंपल आपको करना क्या है, आपको DSLR लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कैमरे को ओपन कर लेना है, मतलब कि दोस्तों लेंस को निकाल देना है। एक बटन दे सकते हैं, इसको दबा के आपको इस तरह घुमा के लेंस को निकाल लेना है अपने कैमरे से। यहाँ पर दे सकते हैं लेंस निकल गया है। अब आपको यहाँ पर बीच वाला पार्ट दे सकते हैं कैमरे वाला, आपको बिल्कुल भी वहाँ पर टच नहीं करना। अगर आपको वहाँ पर टच करते हैं तो सेंसर खराब होने के चांस जल्दी बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर टच नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपको जो एयर बैग है इसको भी आपको टच नहीं करना है, दूर से ही आपको करना है ताकि जितने भी डस्ट है वो बाहर निकल जाए बहुत ही आसानी से। तो आपको इसे लगभग 40 से 50 बार 20 बार कर सकते हैं, जितनी बार आपको अच्छा लगे, मतलब कि दोस्तों कंफर्टेबल लगे, निकल चुका है, सफाई हो चुकी है, तो उतनी बार कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हो गया है। आप दोस्तों लेंस पर भी मार दीजिए कुछ एयर ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए। अब यहाँ पर हम बंद कर देते हैं, बंद करने के लिए सीधा आपको वाइट से वाइट मिलाना है, उसके बाद राउंड पे यहाँ पर कर देना है, टिक करके आवाज आपको सुनाई देगा, उसके बाद सिंपल ये क्लोज हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये अंदर वाला पार्ट हो गया है। अब सिंपल आपको इस ब्रश की मदद से जितने भी बाहर वाले डस्ट है उसको सफाई कर देना है। यहाँ पर इस तरह करके आपको साफ कर देना है, अच्छी तरीके से साफ करना है ताकि बिल्कुल भी डस्ट यहाँ पर कैमरे पर न जमे। सफाई होने के बाद दोस्तों आपको फिर से एयर बैग लेना है और यहाँ पर पंप कर देना है ताकि जो जितने भी अंदर वाले डस्ट रहेंगे, जहाँ पर बैटरी लगाता है, मेमोरी कार्ड लगाया जाता है, वहाँ पर जितने भी डस्ट रहेंगे उसको निकल जाएगा बाहर। इस तरह करके आपको कर देना है। अब दोस्तों बात आती है किस तरह आप LED को साफ करें। LED साफ करने के लिए आपको एक लिक्विड मिल जाता है और यहाँ पर एक हैंकी मिल जाता है, हैंकी बहुत ही सॉफ्ट रहता है। आपको लिक्विड लेना है, उसके बाद हैंकी पर लगा देना है। तो हम इसे पहले ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हैंकी निकल गया है। आप लिक्विड को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर 1-2 बार प्रेस कर लीजिए, लिक्विड निकल जाएगा। सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 बार प्रेस कर लिया है। अब चलिए दोस्तों स्क्रीन को सफाई कर लेते हैं। आपको लिक्विड यहाँ पर लगा देना है, सिंपल आपको स्क्रीन पर यहाँ पर रगड़ देना, जितनी बार आपको यहाँ पर रगड़ना, जितनी बार आप लगे साफ हो गया है उतनी बार आपको यहाँ पर साफ कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग साफ हो गया है। अब आपको लेंस के सामने वाले हिस्से को आपको एयर मार देना है ताकि जितने भी यहाँ पर डस्ट लगे हैं वो निकल जाए। डस्ट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आपको शायद न दिखाई देते हो, तो जितने भी हो सके डस्ट को निकाल दीजिए। यहाँ पर जितनी बार एयर मारेंगे उतनी, मतलब जितने भी डस्ट रहेगा वो बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद आपको कपड़े से आसानी से साफ हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने एक सेफ्टी ग्लास लगा हुआ है। अब पहले तो हम उस सेफ्टी ग्लास को निकाल देंगे, उसके बाद अंदर पार्ट को हम करते हैं साफ। यहाँ पर देख सकते हैं सेफ्टी ग्लास को निकालने चल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेफ्टी गार्ड घुमा घुमा के आप निकाल सकते हैं। ये दोस्तों लगभग 300 रुपये का आता है, आप भी अपने कैमरा लगा लीजिए अगर आपके सेफ्टी गार्ड नहीं लगा है तो। यहाँ पर देख सकते हैं निकल गए। अब सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं ये मेन पार्ट है, आपको यहाँ पर भी टच नहीं करना है। आप ये पहले तो जितनी भी डस्ट है उसको निकाल दीजिए इस एयर की मदद से, जितनी भी आप एयर मारेंगे डस्ट निकल जाएगा। अगर आप डस्ट नहीं निकालते तो दोस्तों जितनी भी आप कपड़े में रगड़ेंगे तो डस्ट के साथ भी रगड़ होगा, तो स्क्रैच आने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ओके दोस्तों हो गया कंप्लीट। अब सिंपल लगा देते हैं ग्लास को ताकि हमारा जो लेंस है बहुत ही सेफ्टी वर्क करे। यहाँ पर हम ग्लास को भी सफाई कर देते हैं क्योंकि ग्लास में बहुत ज़्यादा स्केच पड़ जाते हैं बार बार छूने से और डस्ट भी पड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको सफाई कर रहे हैं। उसके बाद सीधा हम लेंस में लगा देंगे।
अब दोस्तों लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया, सफाई कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दे, लाइक करने बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नए वीडियो मिल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।